हाय गाइस, माय नेम इज ताश और वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो इजंट गोइंग टू बी एनीथिंग स्पेशल, क्योंकि ये सिर्फ मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। मुझे पर्सनली ऐसी वीडियोस बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। दुकान पर गए, प्राइसेस पूछी, वापस आ गए। ना तो इसको मुझे बनाने में मजा आता है, ना ही आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलता है। सो इट्स बेसिकली जस्ट एन इंटरव्यू जिसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं इस तरह की वीडियोस ना बनाऊं, लेकिन आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की कि यार मुझे बनानी पड़ गई। फाइनली आज हम जा रहे हैं नाज प्लाजा। हम वहाँ पर डिफरेंट पीसी बिल्ड्स के बारे में पूछेंगे, जीपीयू प्राइसेस के बारे में पूछेंगे, कौन सा जीपीयू अवेलेबल है, कौन सा जीपीयू अवेलेबल नहीं है, इन सबको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स हेड स्ट्रेट टू नाज प्लाजा एंड टॉक टू यासिन भाई एट टेक्सॉनवेयर। तो स्टार्ट करते हैं तकरीबन, तो 40K से हम स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक जो इनिशियल पीसी बनता है वो 40K है। तो 40K में अभी जो हम बना रहे हैं वो तकरीबन कोर i5 थर्ड जनरेशन, 8GB रैम, 500GB हार्ड ड्राइव, नॉर्मल टावर केस और GTX 750 Ti डुअल फैन में, नॉट सिंगल। ये तकरीबन को अराउंड असूस मदरबोर्ड के साथ H61 तकरीबन को 39K पे चली जाती है। उसके अंदर अगर हम लोग SSD ऐड करना चाहें, यूज़र प्रेफरेंस है, अगर ऐड करना चाहें तो तकरीबन 3500 ऐड करके 42500 पे जा सकते हैं। SSD एक साल वारंटी में होगी। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तकरीबन के कोई हम कुछ 60K पे हम चले जाते हैं, तो 60K में इसी के हम लोग जनरेशन को आप ऊपर ले जाओ, कोर i5 फोर्थ जनरेशन, 8GB रैम, 120GB SSD, अगेन 1 ईयर वारंटी, 500GB हार्ड ड्राइव और GTX 964GB। अभी हम लोग जोटेक में सेल कर रहे हैं डुअल फैन में, तो तकरीबन तो 61 पे जाती है, तो समझ लो उसको अराउंड 60K में हम लोग काउंट करते हैं। अब ये हो गई जो ज़्यादातर बिल्ड सेल होते हैं। तुम मुझे पता है तुम फिर वही राइजन पूछोगे कि राइजन तो होना ही चाहिए, आप लोग सारे राइजन के यूज़र हो गए, क्या कह सकते हैं। बहरहाल 90K जो है एक बजट होना चाहिए 2600 राइजन के लिए कम अज़ कम, जिसके अंदर राइजन 2600 B450M के प्रो जो कलरफुल का हमारे पास होता है, दो रैम स्लॉट वाला, वो हो गया, 8GB सिंगल 3200 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी हो गई, 120GB SSD, 500GB हार्ड ड्राइव, नॉर्मल टावर के तकरीबन 400-450 वाट पावर सप्लाई और अगेन वही GTX 964GB। तो ये प्रोडक्टिविटी प्लस गेमिंग के हिसाब से एक अच्छा पीसी बन जाता है, तकरीबन अबाउट नॉर्मल केस के साथ 90K जाता है। अब अगर बजट होता है कस्टमर का तो केस ऐड करा ले, या उसकी जगह पे कोई GPU एडजस्ट कराना चाहे तो करवा सकता है। ठीक है, ये तो पीसी बिल्ड्स हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि अब आप मुझे GPUs के बारे में बताएं कि कौन सा GPU इजीली अवेलेबल है और उसकी क्या प्राइस है, एंड दीज आर ऑल द GPUs ही टोल्ड मी। GPU का जो तुम अवेलेबल पूछ रहे हो बजट में 750 Ti, 950, 960, 2GB, 964GB अवेलेबल के हिसाब से अभी ये GPUs NVIDIA में अवेलेबल है। और प्राइस मैं तुम्हें बता देता हूँ, 750 Ti तकरीबन 15,500 से 17,000 रुपये के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन वेरियंट एंड कंडीशन। फिर 950 आता है 19,500-20,500, डिपेंडिंग अपॉन क्या वेरियंट है उसका और क्या कंडीशन है। और फिर 960 आता है वो तकरीबन 22,500-24,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन एंड वेरियंट। उसके बाद फिर 964GB की तरफ चले आते हैं तकरीबन और 29,000-30,000 और 32,000 ऑल द वे, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएंट और कंडीशन। तो ये बजट GPU जो अवेलेबल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारे GPUs तो NVIDIA के हैं, तो AMD की क्या सूरत हाल है? यार अभी मैंने तुम्हें जो बताई है वो जो सारा NVIDIA की लाइनअप जो अवेलेबल है, अब इसी की तरफ हम जाते हैं AMD की तरफ। तो AMD जो है वो 560 तो मे बी अवेलेबल हो, वो तकरीबन 24,000-26,000 रुपये के अंदर अवेलेबल होगा, डिपेंडिंग अपॉन वेरियंट XFX या सफायर जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता। तो इसके बाद 470 से 584GB और 588GB ये सारे GPUs बहुत लिमिटेड सप्लाई के अंदर अवेलेबल है। यानी इवन अगर कोई यूज़र 470 भी मार्केट में ढूंढने निकलता है तो उसको बड़ी मुश्किल से मिलता है। इवन तो जो लास्ट हम लोग पिछले महीने सेल करके गए हैं लॉकडाउन से पहले, वो 33 से 35 के दरमियान 474GB था, मगर अभी अवेलेबिलिटी उसकी काफ़ी कम है। तो अब इसको अगर आप देखना चाहो तो तकरीबन वही 40K के बजट में आपका 570-480 चला जाता है, फिर 580 ढूंढने जाओ तो वो भी नहीं मिलता, वो भी तो आपको 45 तक आपको वो ले जाएगा। अब 580 तो 8GB ढूंढने जाते तो थैंक्स टू माइनर वो तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ये तो हो गया बजट GPUs। फिर मैंने उनसे कहा कि इस वक्त जो हमारे दो कौमी GPUs हैं 1650 सुपर और 1660 सुपर, उनके बारे में बताएं कि उनकी क्या सूरत हाल चल रही है, एंड दिस इज़ व्हाट ही सेड। अच्छा, अब मुझे पता है 1650 सुपर 1660 सुपर इसके बगैर वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकती। 1650 में पहले देख लेते हैं, 1650 मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो नॉन सुपर की ज़्यादा है। जोटेक में देख लो या आप ASUS में देख लो, तो उसका प्राइस तकरीबन
47 टू 52 अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये भी अब जो है आगे जाके थोड़ी सी इसकी अवेलेबिलिटी अफेक्ट होने वाली है क्योंकि जीपीयू की वापस डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। और इसी के अंदर अगर हम लोग 1650 सुपर की तरफ आते हैं तो वो ऑल द वे 55 से 65 में अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो चैनल प्रोडक्ट है या ग्रे है या उसकी वारंटी क्या है। हमारे पास जैसे कलरफुल अवेलेबल होता है, चैनल प्रोडक्ट की 1.5 साल वारंटी, तो वो हम बिल्ड के साथ अभी 65 में ऑफर कर रहे हैं। 1660 में ये है कि 1660 जो है वो अभी स्टेबल ही है, तकरीबन 95 का उसका रेट है 1660 सुपर चैनल, तो वो तकरीबन 95 का रेट है, वही उसका अभी तक स्टेबल रेट है, उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर कोई ऑफर्स वगैरह किसी वेब पे या कोई सेलर चलाता है तो वो उसको एडजस्ट कर देता है 2-3 हज़ार रुपये, मगर जो मार्केट स्टेबल प्राइस है वो 95 ही रहा है सुपर। इस वीडियो के अंदर हम RTX GPUs को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्राइस सुबह में कुछ और होती है और रात में कुछ और। कोई सेलर डील बनाकर सेल करता है तो सस्ता सेल करता है, मार्केट में उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो जो ऑडियंस है वो पूरी कंफ्यूज हो जाती है। सो इसीलिए आई थॉट कि इस वीडियो के अंदर हम RTX को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप में से कोई RTX कार्ड की प्राइस जानना चाहता है तो वो डिफरेंट सेलर्स को DM करके उनसे पूछ सकता है। लास्टली आई वुड लाइक टू से कि दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय TechsOnWear, आई एम नॉट पेड बाय देम। मैं सिर्फ उनके साथ वीडियो इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि वहाँ पर शूट करना कन्वीनियंट होता है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ उन्हीं से PC बिल्ड्स करवाएं, लेकिन मेरे जो पर्सनल बिल्ड्स होते हैं, जैसे कि मेरा बिल्ड था, मेरे भाई का बिल्ड था, वो मैंने उन्हीं से करवाए थे। आई पर्सनली ट्रस्ट हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको PC बिल्ड्स बनवाने हो तो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट TechsOnWear। सो या गाइज दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड। अच्छी लगी हो या यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो एज यूजुअल मोबाइल को उल्टा करना और फिर डिसलाइक कर देना। एंड आई विल सी यू गाइज विद अ गुड क्वालिटी वीडियो इन अ फ्यू डेज। टिल देन टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, पीस आउट।